फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से आम इंसान तो परेशान है ही, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स भी उससे उतना ही ज्यादा परेशान है। बहुत सारे फिल्मों की शेड्यूलिंग चेंज कर दी गई है, यानी उनका टाइम चेंज कर दिया गया है शूट का, और लोकेशंस भी किसी किसी फिल्म की चेंज कर दी गई है। यहां तक कि सलमान खान ने अपने अपकमिंग मूवी राधे का भी शेड्यूलिंग चेंज कर दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मैटर, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड को जानो। कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है, वो इंडिया में भी आ चुका है और इसका असर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जो काम है वो रुक चुके हैं, बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग जो है वो उसकी शेड्यूलिंग को चेंज कर दिया गया है और बहुत सारे फिल्मों की रिलीज डेट तक को भी आगे कर दी गई है। सिनेमा थिएटर्स की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनके सिनेमा थिएटर्स को बंद कर दिया गया है। कुछ समय के लिए सिनेमा थिएटर्स जो है वो बंद हो गया है। अब सिनेमा थिएटर्स को कब वापस ओपन किया जाएगा इसकी अभी कोई खबर नहीं है। सिनेमा थिएटर्स को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि सिनेमा थिएटर्स में बहुत सारे लोग एक साथ फिल्म देखते हैं और इस कारण से कोरोना वायरस के फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कोरोना वायरस फैले ना, इस कारण से सिनेमा थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया है। बॉलीवुड फिल्म स्टार्स भी कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने अपने फिल्म की शेड्यूलिंग तक चेंज कर दी है और जैसा कि सिनेमा थिएटर्स बंद हो चुके हैं तो कुछ प्रोड्यूसर्स ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो लोग अपने फिल्म की रिलीज डेट को आगे कर देंगे। हाल ही में खबर आई है कि सलमान खान ने भी अपनी अपकमिंग मूवी राधे का शेड्यूलिंग है उसे चेंज कर दिया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म को थाईलैंड में शूट किया जाएगा और थाईलैंड में कोरोना वायरस वो काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसीलिए सलमान खान ने थाईलैंड में उसे शूट करने का अब नहीं सोचा है। उसकी प्लानिंग जो है वो चेंज कर दी गई है, अब राधे को मुंबई में ही शूट किया जाएगा। अब देखिए, सल्लू भाई तो हर साल ईद में अपनी फिल्म को रिलीज करते ही करते हैं। अगर सलमान खान अपने फिल्म का शेड्यूलिंग चेंज कर देते, यानी राधे का जो शूट है वो थाईलैंड में करने के लिए वो थोड़ा सा वेट और कर लेते ताकि जब कोरोना वायरस वहां पर खत्म हो जाए या कम हो जाए तब वो वहां पर जाकर के शूट करते, तो फिर फिल्म में देर हो जाती। इसीलिए सलमान खान ने ये डिसीजन लिया है कि वो इस फिल्म को, यानी राधे फिल्म को, मुंबई में ही शूट करेंगे ताकि उसे वो ईद पर रिलीज कर सके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में भी कोरोना वायरस का पूरा कहर फैला हुआ है। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही है और बहुत सारा शेड्यूलिंग भी इधर उधर चेंज हो चुका है। तो कोरोना वायरस जो है ये बॉलीवुड को भी अफेक्ट कर रहा है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो फिल्मों का काम जो है वो लगभग रुक चुका है, बहुत ही स्लो हो चुका है प्रोसेस फिल्म मेकिंग का, क्योंकि फिल्म मेकिंग के लिए स्टार्स को, प्रोड्यूसर्स को और पूरी टीम को दूसरे कंट्रीज भी जाना पड़ता है, इधर उधर अलग अलग जगह पर शूटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बॉलीवुड में जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है ये भी थोड़ा स्लो हो गया है। बॉलीवुड तो कोरोना वायरस से परेशान है ही, पर आम जनता भी इससे बहुत परेशान है। पर इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जरूरत है सेफ्टी लेने की, जरूरत है सावधानी बरतने की। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो आपको सेफ्टी लेने चाहिए, जो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखे जो लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा काम है बस आपको सतर्क करना कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो जो सावधानियां आपको बरतनी है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, आप अपने हाथ को साबुन से रेगुलर इंटरवल्स पर धोते रहे, यानी बार बार आप अपने हाथ को साबुन से धोते रहे। दूसरा पॉइंट है, आप अपने हाथ को हैंड सैनिटाइजर से क्लीन करते रहे, और आपको ऐसा ही हैंड सैनिटाइजर लेना है जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट है, आप जब भी घर से बाहर निकले तो आप मास्क लगाकर जरूर निकले, आपका नाक और आपका जो मुंह है वो कवर्ड रहेगा तो कोरोना वायरस फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करेगा इसके चांसेस कम हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि जिस भी व्यक्ति को अगर सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, तो आप उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रखें, क्योंकि मान लीजिए उसे अगर कोरोना वायरस होगा तो आप तक नहीं फैलेगा। फिफ्थ पॉइंट है, आप अभी फिलहाल स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें, बाहर में जो खाना बिकते रहता है, जो फूड्स बिकते रहते हैं, उन सबको आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट है,
आप जो भी फूड घर में बनाते हैं उसे अच्छे से पका लें। स्पेशली आप अगर नॉनवेज बनाते हैं तो आप उसे अच्छे से पका करके खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए नॉनवेज खाना मना नहीं है, लेकिन आप नहीं खाएंगे तो बेटर है, लेकिन अगर आप उसे खाते हैं तो आप उसे अच्छे से पका लें। सेवेंथ पॉइंट है कि आपको इंडिया की अब असली परंपरा, जो बहुत पुरानी परंपरा है, उसे अपनाना चाहिए। यानी आपको हेलो को छोड़ करके, यानी हाथ मिलाने को छोड़ करके, आपको अब नमस्ते बोलना स्टार्ट करना चाहिए। हाथ मिलाने से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसीलिए आपको नमस्ते बोलना चाहिए किसी को भी ग्रीट करने के लिए। आज पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, सारे कंट्रीज वो इंडिया की इस पुरानी परंपरा को अपनाने के लिए तैयार है। तो हमें भी अपने देश की पुरानी परंपरा को अपनाना चाहिए और लोगों को नमस्ते बोलकर स्वागत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड इस चैनल पे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। देखिए, मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो दूसरे वीडियोस देख देख कर पैनिक हो रहे हैं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इन सेफ्टी को फॉलो करते हुए चले, ये सावधानियां बरतते हुए चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में भी जो फिल्मी सितारे हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो लोग भी कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरत रहे हैं। अब हमें आशा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द कोरोना वायरस पे कंट्रोल पा लेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बॉलीवुड से रिलेटेड नॉलेज, बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। क्या चल रहा है बॉलीवुड में, ये आपको जानने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो बॉलीवुड से रिलेटेड होगी, बॉलीवुड के न्यूज से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं।